नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने और भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया था, जबकि भारत की ओर से यह शक जताया गया था कि कुलभूषण को पाक फौजों ने अगवा किया था और जासूसी की पूरी झूठी कहानी तैयार की थी। पाकिस्तान में एक और सरबजीत की कहानी लिखी जाने को तैयार है। पिछले साल गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। पाकिस्तान ने जाधव पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए ये सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की खबर पर पाकिस्तानी फौज की पब्लिक रिलेशन विंग ने भी मुहर लगाई है। जासूस कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। भारत पहले ही मान चुका है कि जाधव नौसेना में काम कर चुके थे, लेकिन उनका खुफिया एजेंसियों से कोई लेना देना था, ये बात भारत सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी के साथ इस सलूक को लेकर भारत में पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था। जाधव को 3 मार्च 2016 को कथित तौर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। जाधव पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस होने का आरोप लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद जाधव को मौत की सजा का ऐलान हैरत अंगेज है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने जाधव का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्हें अपने ऊपर लगे तमाम आरोप कबूल करते हुए दिखाया गया था, लेकिन भारत सरकार का दावा था कि ये वीडियो दबाव डालकर और प्रताड़ना के बल पर बनाया गया है। आज तक ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट में वादा करने के ठीक एक महीने बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर पुणे के बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत खड़से और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी और दामाद सचिन चौधरी पर बंद गार्डन पुणे इस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। अब इस मामले में खड़से, उनकी बीवी मंदाकिनी और दामाद सचिन चौधरी से पूछताछ की जाएगी और शायद उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। पुणे के बिल्डर हेमंत गवंडे ने मामले में एफआईआर और किसी तरह की जांच न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में पहले पुणे पुलिस ने कहा था कि खड़से के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। फिर महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया कि क्योंकि खड़से के खिलाफ एक न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई तो राज्य सरकार ने 8 मार्च को कहा कि क्योंकि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आता है, इसलिए वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला सौंप रहे हैं। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को है, तो कुछ घंटे पहले एफआईआर दर्ज हो गई है। अहुदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन खुद के परिवार वालों को बेचने का गंभीर आरोप लगने के कारण बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को अपना राजस्व मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब इसी मामले में मुंबई उच्च अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को नए सिरे से तफ्तीश करने को कहा है। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री खड़से पर पिछले साल लगे थे गंभीर आरोप। अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी और दामाद के लिए 3 एकड़ जमीन सस्ते में खरीदने का लगा था आरोप। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जमीन MIDC की है और सरकारी जमीन को किसी भी हालत में बेचा नहीं जा सकता। इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है और जोटिंग कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द आ सकती है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के सितारे लगता है गर्दिश में। पहले उनकी फिल्म फिलौरी किसी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटते पिटते बची तो BMC ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। अनुष्का
अनुष्का शर्मा मुंबई के वर्सोवा इलाके के बद्रीनाथ टावर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। यहाँ के 20वीं मंजिल पर उनका घर है। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल का पूरा फ्लोर अनुष्का के परिवार का ही है, पर बिल्डिंग के एक पूर्व सेक्रेटरी सुनील बत्रा का आरोप है कि अनुष्का ने अपने फ्लोर के पैसेज में अवैध इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स लगा रखा है, जिसे बिल्डिंग के लोगों को आपातकाल में खतरा हो सकता है। ये जो जंक्शन बॉक्स है हर आदमी के घर के अंदर होता है, ना कि इतने बड़े फ्लैट के तुम कॉमन पैसेज में रखो, कल को कुछ शॉर्ट सर्किट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फट से ये टॉवर को इफेक्ट करेगा। ऊपर से वुडन कैबिनेट से बंद करोगे और ताला लगा दोगे तो कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो गए काम से। तो रिकॉर्ड चीज अनुष्का शर्मा या सेलिब्रिटी है उसको यह हक तो नहीं होता ना कि जहाँ वो रहे वहाँ सारे टॉवर्स को आप रजिस्टर में डालो। बत्रा खुद इस इमारत में 16वें और 17वें फ्लोर पर रहते हैं। उनका ये भी आरोप है कि अनुष्का ने अवैध इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स के अलावा बिल्डिंग के कई और नियम भी तोड़े हैं, जिसकी उन्होंने शिकायत दर्ज की है। बत्रा ने पहले फायर ब्रिगेड में इस सिलसिले में कम्प्लेन की थी, जिसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने अनुष्का के घर का जायजा लिया और फिर नोटिस जारी कर दिया। हालांकि अनुष्का की तरफ से कहा जा रहा है कि अनुष्का ने साल 2013 में सीढ़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स लगाने के लिए जरूरी अनुमति ले ली थी। बीएमसी सिर्फ एक शिकायत मिलने पर प्रतिक्रिया कर रही है, लेकिन किसी भी तरह का अपराध परिवार की तरफ से नहीं हुआ है। अभी उन्होंने कहा कि हमने परमिशन ले रखा है, परमिशन ले रखा होता तो बीएमसी वाले आपको नोटिस नहीं भेजते, क्योंकि इसके लिए कोई परमिशन नहीं है। नहीं मतलब नहीं है, तो दैट्स इट, इसको निकालना चाहिए और इमीडिएट निकालना चाहिए। फायर ब्रिगेड को सामने आना चाहिए, बीएमसी को सामने आना चाहिए, ताकि एग्जांपल सेट हो जाए। भले ही अनुष्का शर्मा का परिवार इस पूरे मामले पर ये कह रहा है कि उनके पास जरूरत के सभी कागजात मौजूद हैं, इसके बाद भी बीएमसी की नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जल्द से जल्द ये इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स नहीं हटाया गया तो इस पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।